दिल्ली के ताज अम्बेसडर होटल में रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिडवेस्ट अभिषेक इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इवेंट को शुरू करने से पहले सभी रोटेरियन द्वारा दीप प्रज्वलित कर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक कंटूर जी पहुंचे। इस इवेंट में रोटेरियन सम्राट यादव को मिडवेस्ट दिल्ली का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक कंटूर जी द्वारा इस सम्राट यादव और उनकी टीम को बधाई दी गई। देश और समाज में अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आपका इंट्रोडक्शन सर। मैं रोटेरियन अशोक कंटूर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। इसलिए कि डेली गुड़गांव नॉर्थ रोड का सारा कवर होता है, इसलिए 120 क्लब है हमारे यहाँ। ओके सर, आज का जो इवेंट है ये अभिषेक इंस्टॉलेशन सेरेमनी क्या है, किस वजह से आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 120 क्लब हैं, उसमें से एक बहुत ही प्रीमियम क्लब है रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिडवेस्ट, और इसमें जो है सम्राट यादव ये पदभार संभाल रहे हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। आगे चलकर और क्या क्या आप इवेंट करने जा रहे हैं वुमन एम्पावरमेंट को लेकर, और क्या क्या सोशल कॉज पे काम करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इस साल हमारी जो 117 साल की रोटरी इंटरनेशनल हिस्ट्री में पहली दफ़ा वर्ल्ड की लीडर एक वुमेन बनने जा रही है, जेनिफर जोन्स। इसलिए हमारा फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत लार्ज स्केल में, वुमेन एम्पावरमेंट तो हमारा रहेगा ही, बाकी जो मेरा अपना जो पैशन है वो है सपोर्टिंग एनवायरमेंट, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन। इस तरीके से जो बड़े बड़े सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम एक समाज की हम सेवा कर सकें वो हम सब करेंगे। हमारा जो मोटो सर्विस अबाउट सेल्फ है तो हम ये सब करेंगे। सो काइंड ऑफ ये एक सेरेमनी है फॉर ऑफिशियल इंस्टॉलेशन एज प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब फॉर दिस ईयर। अच्छा, इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, रोटरी का क्या अहम भूमिका रहती है इसमें? इसमें तो मोस्टली क्लब के लोग होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं, कुछ दो चार हमारे अपने फ्रेंड्स या फैमिली वाले लोग होते हैं, एंड ब्रॉडली तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन अफेयर जो कि क्लब और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो सर, आगे चलकर रोटरी और क्या काम करने जा रहा है सोशल वेलफेयर को लेकर? रोटरी ने तो हमारे क्लब ने तो अभी जो मुहिम छेड़ी है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे छेड़ी है। 1 जुलाई को जब गवर्नमेंट ने बंद किया था उस दिन से हमने अपनी मुहिम छेड़ी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कोई प्लास्टिक नहीं मिलेगी इस पूरे फंक्शन में, नो सिंगल यूज़ प्लास्टिक अवेलेबल इन दिस। वुमन एम्पावरमेंट को लेकर भी कुछ काम करने जा रहे हैं आप? वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के काम बहुत हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस साल की जो रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है वो लेडी प्रेसिडेंट है, और रोटरी 1905 से चल रहा है, 1905 से लेकर के आज हम 2022 में खड़े हैं। शी इज़ द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट इन रोटरी, सो ऑलमोस्ट 117 साल में फर्स्ट लेडी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है। सो दिस इन इटसेल्फ इज़ शोइंग के जी एट द इंटरनेशनल लेवल भी बहुत काम हो रहा है, एंड यहाँ पर भी जो डिस्ट्रिक्ट का फोकस है वो यही है कि हम बहुत लेडीज़ को ही प्रमोट करें। इनफैक्ट एक फोकस ये है कि जी जेंट्स जो लें वो अंडर 40 लें, पर लेडीज़ के लिए कोई न्यू नीचे, बिकॉज अगर आपने कुछ भी करवाना है तो वो लेडी को दे दीजिए एंड वी रेस्ट अश्योर्ड के वो हो जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? बेसिकली ये जी कि आप अगर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो पहले दोस्त बनाएं, और हम जब रोटरी में आते हैं तो हम अच्छे दोस्त ही बनाते हैं, और जब दोस्त बनते हैं तो फिर हम अच्छे काम करते हैं, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं, और वो सेवा करके जो आपको एक तसल्ली मिलती है दिन के आखिर में, उस चीज़ को तो आप मैच नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। थैंक यू।